नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, मेरा जो चीकू की प्लांट है वो उसमें सारे फ्रूट्स आना फिर से स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ये वाला मैंने लिया था, एक साल नहीं बोलूँगा, हो गया 7-8 महीने हो गया जो चीकू के प्लांट मेरे पास है। न्यू लीव है एक्चुअली वाला, और इसमें थोड़ा कलर गिरा था बिकॉज कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, आपको पता ही है जो जो मेरा वीडियो देखते हैं। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, देखिए वह चेरी प्लांट है, इसको भी मैं थोड़ा खाद दूंगा अच्छे वाला, इसको कुछ थोड़ी देर बाद मैं खाद दूंगा। और सबसे सरप्राइजिंग था मेरे लिए ये है अनार की पौधा, और 3 साल के बाद एक छोटा सा बर्ड निकला है। वाओ, दैट्स गुड। पर इसमें जो भी एंट है ना, उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इसको मारना, यू नो, इसके अंदर जाके वो जो भी होता है इसके रस वगैरह होता है पीना। इसको मैं थोड़ा कटिंग करूँगा अभी बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसको भी ऊपर सीधा सीधा लाने की कोशिश करूँगा। और जो पॉट में लगा हुआ है वो अभी मैं छेड़ूंगा नहीं, जब बरसात स्टार्ट होगा तब इसको मैं थोड़ा सा कुछ करना, मतलब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा रिपोर्ट करूँगा, बड़े कंटेनर में डालूँगा थोड़ा सा, अच्छा सा ग्रो हो। और बाकी सारे प्लांट मैंने 2 प्लांट खरीदा है, अभी आप लोगों को दिखाऊं। ये वाला हिबिस्कस के बहुत लंबा है, काफ़ी देख रहे हो आप, बट इसमें एक ये वाला है, दैट इज़ अ पिंक कलर, ऑरेंज कलर, सॉरी ऑरेंज, दिस द रेड कलर। बीच में फूल खिला था बट मैं आ नहीं पाया छत पे तो सूख गया था, तो मैंने हटा दिया अभी फूल की जो भी सूखा हुआ डंडी था वो मैंने हटा दिया। और बाकी 2-3 जो पौधा है वो थोड़ा सा ख़राब जैसे हो गया है, बट मैं अभी आज मेरी नर्सरी में जाऊंगा, कुछ पौधा भी लेना है बिकॉज बहुत दिन हो गए मैं पौधा नहीं खरीदा और बहुत सारे गमला खाली पड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों को दिखाया था बल्ब, इसके जो भी बल्ब था मैंने लगाया था लास्ट ईयर, और इसके अभी शूट निकला है। आई थिंक बरसात के टाइम ही ये लोग सर्वाइव और पत्ते निकलना स्टार्ट होता है एक्चुअली, तो गर्मी के टाइम पे तो भी पत्ते नहीं था बाय द वे, तो मैंने इसको अभी छोड़ दिया ऐसे, ये वाला पत्ते निकल रहे हैं, इसके फ्लावर भी आएंगे। रजनीगंधा के ऐसे ही हैं जो मैंने रिपोर्ट किया था, और ये भी देखिए ऐसे ही हो गया इसके, इसके तो बहुत ख़राब कंडीशन था बाय द वे। और ये भी रजनीगंधा के फ्लावर नहीं आते एक्चुअली, कंटेनर में एक ही लगाओ तो उसमें आते फ्रूट्स, सॉरी फ्लावर आते, एक ही स्टिक निकलते हैं और वही यू नो मल्टीप्लाई होते बाद में। और मेरे 9 बजे की फ्लावर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कलिया बनना स्टार्ट हुआ है अभी बिकॉज गर्मी था, बहुत ज़्यादा हीट था, मैं छत पे आ नहीं पाया था बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं था। और ऊपर जो देख रहे हो आप 9 बजे वाला, ये वाला येलो कलर है, बहुत सुंदर कलर है, और इस पर भी वाइट एंड पिंक कलर का है। बाकी सारे प्लांट बहुत अच्छे से सही है बिकॉज 2-3 पौधा, ये वाला देखिए, ये वाला जो है ये वाला मर गया एक्चुअली, मर गया, मतलब इसको रिपोर्ट करना है मुझे जल्दी से जल्दी आज ही। तो आज मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, अभी 6:30 हो रहा है और मैं छत पे आया हूँ अभी कुछ वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग को अपडेशन देने के लिए। और देखिए स्पैराग्स वाला जो ख़राब हो गया था ये अभी फिर से निकला है सूट, ऊपर भी फन का, फॉक्सटेल का भी अच्छा ग्रो हो रहा है, उसका भी पत्ते निकला है, वो सूख गया था एक्चुअली बट वो सही जा रहा है अभी। और वो कैक्टस है उसके देखिए पत्ते कैसे ऊपर सब निकल गए बिकॉज मैंने उसके कटिंग करके यहाँ पर लगाया था, देखिए ये वाला और वो वाला पीछे उधर साइड पे जो देख रहे हो, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा बिकॉज इतने सारे प्लांट नहीं चाहिए मुझे। तो दिस इज द थिंग, और मैं आपसे मिलता हूँ शाम के टाइम पे, मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा कौन से प्लांट लेके आया हूँ, उसके कॉस्ट भी बताऊंगा। आज छुट्टी के दिन है तो मैं वाला काम करूंगा आज बिकॉज बहुत दिनों के मैं पौधा खरीदने नर्सरी गया ही नहीं, बाकी गया था बीच में, ये वाला 2 पौधा लेके आया हूँ और एक कपड़ा जीता भी लेके आया हूँ। बरसात के टाइम पर आप लोग को जितना पौधा देख रहे हो आप, और पानी सबसे बड़ी बात है, आप स्टोर करके रखिए एक बाल्टी में बकेट में भर के ढक्कन लगा के, अगर आप छोड़ देते हो तो वो पानी बाद में यूज़ कर सकते हैं आप, और दैट इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, तो उसमें पोटास वगैरह सब मतलब एसिड होते एक तरह के, नो आप लोगों को पता है आपने पढ़ा होगा,
तो दिस इज थिंग, तो मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।